नेक्स्ट टॉपिक है भाई इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस भी। जब भी ये वर्ड यूज करते हैं इक्विलिब्रियम, मतलब क्या भैया? नेट फोर्स जीरो है भाई, सीधी सी बात ये। नेट फोर्स क्या होना चाहिए? जीरो, ठीक है। मतलब क्या इस बात का? हो सकता है कि एक बॉडी पे बहुत से फोर्स लग रहे हैं भाई, ठीक है, लेकिन हम चेक करें कि नेट फोर्स कितना बॉडी के ऊपर, और जीरो हो जाए तो बॉडी किस में आ जाएगी? इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। कर लोगे? तो लिख दीजिए, when total force on the body became equal to zero, when total force of the body became equal to zero, then body is in equilibrium and it is called equilibrium forces bhi. It is called equilibrium forces. Okay? Simple hai bhai. Dekhiye, ek body hai, is pe ek force lag raha hai F1 bhi. Aur is pe ek force lag raha hai F2. Kabhi wo rassi kisi dekhiye na? Tug of war bolte hain usko. Rassi kisi hai kabhi? Ek taraf se, is taraf se. अगर दोनों तरफ के फोर्स जीरो हो जाएं, रस्सी वहीं पर रह जाएगी जहाँ पे है। यस और नो? ये पॉइंट वहीं पे हो जाएगा भाई। कर लोगे? अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरा नेट फोर्स जीरो है भाई, मतलब क्या इस बात का? अगर दोनों को जोड़ूं मैं F1 + F2, प्रॉब्लम क्या? दोनों डायरेक्शन उल्टी है भाई, रिएक्टर हैं, एक को क्या लेना पड़ेगा? माइनस लेना पड़ेगा। यस और नो? कितना होना चाहिए नेट फोर्स? जीरो, इक्विलिब्रियम करने के लिए। तो कब हो सकता है? जब मेरा F1 और F2 की वैल्यू क्या हो? बराबर हो। इस तरफ ले जाते हैं। अगर दोनों तरफ के नेट फोर्स, दोनों तरफ के फोर्स क्या हो? बराबर हो जाएं, तो नेट फोर्स भी कितना हो जाएगा? जीरो। ये सिंपल केस है भाई, ठीक है। दो के अगर फोर्स लगे तो क्या होगा? क्या तीन फोर्स जीरो हो सकते हैं? एक बॉडी को तीन लोग खींच रहे हैं भाई, एक ऐसे खींच रहा है, एक ऐसे खींच रहा है और एक ऐसे खींच रहा है। क्या चेक करेंगे कि नेट फोर्स जीरो है? इसको मान लेते हैं F1 है ये, इस तरफ ये F2 है, ये F3 है भी। सही है क्या? नेट फोर्स जीरो हो सकता है? चेक करना हमको। अब देखिए, पहले दो को चेक कर लेते हैं, F2 और F3। इसे लगता है मेरे को पैरेललोग्राम ला चाहिए, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं इनका। कैसे? एक पैरेललोग्राम बनाते हैं, एक लाइन पैरेलल खींचते हैं इसके, एक लाइन इसके पैरेलल खींचते हैं, इट बी गेम ए पैरेललोग्राम भी। अगर आपको याद हो, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है? कि दो साइड पैरेललोग्राम ग्राम की रिप्रेजेंट करेंगे दो वेक्टर्स को इन अपोजिट ऑर्डर, उसका डायगोनल रिप्रेजेंट करेगा उसके रिजल्टेंट को, बट इन द सॉरी द्वारा देखिएगा, टू साइड ऑफ पैरेललोग्राम रिप्रेजेंट द टू वेक्टर इन द सेम ऑर्डर भी, एंड ए डायगोनल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू बट इन द अपोजिट ऑर्डर भी। यस और नो? ऑर्डर का मतलब क्या होता है? अगर एक का हेड दूसरे के टेल को स्ट्राइक कर रहा है, इट इज इन द सेम ऑर्डर भी, और दो हेड स्ट्राइक कर रहे हैं, इट इज इन द अपोजिट ऑर्डर भी। कर लोगे? तो इन दो वेक्टर का आंसर क्या होगा? ये होगा भाई। यस सर नो? इसको मैं F1 मान लूंगी, F1। कर लोगे? यानी दो को अब ये एक रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मेरा F1 और F1 का जोड़ जीरो हो जाए तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम में आ जाएगी बॉडी। यस और नो? दो का आंसर तो ये हो गया। अब मैं लिख दूं कि नेट फोर्स F1 + F1 कितना हो जाए? जीरो हो जाए। जीरो कब होगा? एक डायरेक्शन ऐसे, एक डायरेक्शन ऐसे, एक तो माइनस लेना पड़ेगा मेरे को। यस और नो? इसको भी माइनस ले लेता हूँ। कर लोगे भाई? तो क्या ले सकते हैं कि F1 इज इक्वल टू किसके हो जाए? F1 के। तो मेरा किस में आ जाएगा बॉडी? इक्विलिब्रियम में आ जाएगी, तीन फोर्स के साथ भी। चार कर लो, ऐसे ही कर लोगे? समझ में आ रहा है? यानी क्या है, इन दोनों बॉडी का रिजल्टेंट का जो आंसर होगा वो थर्ड के बराबर हो जाए बट इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो मेरा नेट बॉडी किस में आ जाएगी? रेस्ट पे हो जाएगी उसी टाइम पे, मतलब नेट फोर्स कितना हो गया उसका? जीरो हो चुका है। बॉडी इज इन द इक्विलिब्रियम कंडीशंस, कुछ नहीं है। किसी भी तरीके से बॉडी के ऊपर नेट फोर्स कितना हो जाए? जीरो हो जाए, तो बॉडी किस में आ जाएगी? इक्विलिब्रियम में आ जाएगी।
और जो फोर्स लगेंगे क्या बोलेंगे उनको हम, इक्विलिब्रियम फोर्सेस बोलेंगे भी। समझ में आया कि नहीं आया? टॉपिक कंप्लीट भी, टॉपिक पूरा हो गया ठीक है। इसका एक आसान तरीका भी है अभी निकालने का। कई बार देखो, कई बार एग्जाम्स में आते क्वेश्चंस तीन चार फोर्स लिखा दे देते हैं। अब निकालना तरीका क्या है कि निकालो, तीन इक्वेशन बनेंगी, तीन इक्वेशन को सोल्व करो, तब जाके कोई एक आंसर निकलता है। याद करना आता है? अगर दो वेरिएबल हो तो दो इक्वेशन बनती हैं, एक्स और वाई, तीनों तो एक्स वाई जेड तो तीन बनती हैं, चारों तो चार बनती हैं। इतनी ज़्यादा इक्वेशन बनाओगे उतना ज़्यादा सोल्व करना मुश्किल हो जाएगा उस टॉपिक को। तो उसका आसान तरीका भी है, उसको लेमी थ्योरम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? लेमी थ्योरम, जो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है लेकिन फिर भी लिखवाता हूँ थोड़ा सा स्टेटमेंट उसका, ठीक है। इतना हो गया, लिखिए नेक्स्ट लेमी थ्योरम भी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है लेमी थ्योरम, सिलेबस में नहीं है लेकिन आसान पड़ता है करना। तीन फोर्स लग रहे हैं भाई, ये तुम्हें तीन फोर्स के लिए होता है, याद रखिए इस बात। तीन फोर्स लगाए जा रहे हैं ऐसे, एक F1 है, एक F2 है, एक F3 है भी। ऐसे ठीक है, कुछ एंगल पे लगाए जा रहे हैं। ये एंगल कितना मान लेते हैं? अल्फा भाई। ये कितना मान लेते हैं? बीटा। कुछ तो एंगल होगा ये, हाँ जी हो सकते हैं लेमी थ्योरम तीन के लिए भी, हाँ जी मैक्सिमम तीन है। ये तीन के लिए एप्लीकेबल है, ना दो के लिए ना चार के लिए, सिर्फ तीन के लिए। मोस्टली एग्जाम्पल हमारे तीन के लिए होते हैं। चार के एग्जाम्पल करोगे ना तो क्या करोगे? पहले दो का जो, फिर दो को करो, फिर दोनों के आंसर को करो, ऐसे करना होता है ठीक है। मोस्टली एग्जाम्पल्स में तीन ही यूज़ करते हैं, ये भी तीन भी बहुत कम यूज़ किए जाते हैं, वैसे दो ही यूज़ करते हैं हम। अब इसका तरीका क्या है? देखो मैं कुछ लिखवा लूँगा, स्टेटमेंट वगैरह कुछ लिखवा रहा है यहाँ पे, सिर्फ डायरेक्ट फार्मूला पे ठीक है। तो तीन फोर्स हैं भाई, कुछ एंगल पे लगाए जा रहे हैं, एंगल आपको दिया जाएगा भाई, इतने एंगल पे फोर्स लग रहे हैं। तो इक्वेशन क्या बनती है? एफ वन बाई साइन अल्फा इज इक्वल टू एफ टू बाई साइन बीटा इज इक्वल टू एफ थ्री बाई साइन गामा। साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा, मतलब जिसके सामने जो भी एंगल है उसका साइन भी। समझ में आ रहा है? इसके सामने जो भी एंगल है उसका साइन, इसके सामने जो भी एंगल है उसका साइन। आपको एंगल दे रखे होंगे, आपको कोई एक दो फोर्स दे रखे होंगे, थर्ड का वैल्यू बताओ कितना आएगा, निकाल लो भाई। मान लेते हैं दो दे रखे हैं, तीन नहीं है भाई किसी एंगल के ऊपर, तो बिल लगा सकते हो, ऐसी बात नहीं है। तीन के साथ तीन तो है ही यहाँ पे। अब दो दे रखे हैं, ये दो दो उस एंगल पे हो सकते हैं, अभी कर लोगे उसमें डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि अल्फा कौन सा है बीटा कौन सा। वो बेस्ट होता है लेमी थ्योरम तीन के लिए ठीक है। अब इमेजिन करो आपको एफ वन एफ टू दे रहा है, निकालिए एफ थ्री कितना है भाई, सतम एंगल दे रहा है, निकाल लो, दिक्कत क्या रहेगी? सेकेंड ला इज ए रियल ला। इसका मतलब क्या है? सेकेंड लॉ इज ए रियल लॉ, ये आपका टॉपिक का नाम है। ये बोल रहा है कि न्यूटन सेकेंड लॉ ही मैन है अभी, बाकी वन और थर्ड इतने खास नहीं है अभी। मतलब सेकेंड लॉ से हम वन को भी ड्राइव कर सकते हैं, थर्ड को भी ड्राइव कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? yes, तो कैसे न्यूटन सेकेंड लॉ से हम फर्स्ट लॉ को बना सकते हैं, ये बताना आपको। तो लिख लीजिए अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ भी, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ क्या था भाई, कुछ याद है? फोर्स इज इक्वल टू डीपी बाई डीटी, यस सर नो? फोर्स इज इक्वल टू डीपी बाई डीटी, यही था सेकेंड लॉ। इसे फर्स्ट लॉ कैसे ड्राइव हो सकता है? फर्स्ट लॉ क्या था भाई? अगर बॉडी रुकी तो रुकी रहेगी, चलती तो चलती रहेगी, कब तक? जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगे, यस सर नो? इसे फर्स्ट लॉ लगाते हैं। फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या है? फर्स्ट लॉ कब लगेगा? जब मेरा फोर्स कितना हो जाएगा? जीरो, इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, यस आर नो? यस आर नो? इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, मतलब क्या भाई? अगर आपको जीरो करूंगा तो डी पी बाई डी टी कितना हो जाएगा? ये भी जीरो हो जाएगा। डी पी बाई डी टी कितना हो जाएगा? जीरो, यस आर नो? व्हाट इज पी? मोमेंटम। व्हाट इज डी पी? चेंज इन मोमेंटम। कर लोगे? मतलब क्या भाई? डेरिवेटिव का जीरो होना कब होता है?
जब पी क्या हो, कांस्टेंट हो, या जीरो हो सकता है पी। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ जीरो? जीरो ही हो सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? या तो कांस्टेंट होगा या क्या हो सकता है, जीरो भी हो सकता है भाई। अब जीरो का डेरिवेटिव करो, जीरो खुद एक कांस्टेंट है। यस सर ना, आंसर क्या आएगा? जीरो ही आएगा। नहीं समझ में आई बात है? डेरिवेटिव ऑफ जीरो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जीरो का आंसर जीरो रहना है, हमेशा रहना है जीरो भाई। तो जीरो भी क्या है? कॉन्स्टेंट ही तो है। पी कॉन्स्टेंट होगा या जीरो होगा? मोमेंटम, मोमेंटम क्या देता है आपको? अमाउंट ऑफ मोशन देता है अभी। मोशन है तो जीरो होगा या कांस्टेंट होगा। डेफिनेशन क्या बोलता है? ए बॉडी इन रेस्ट, ऑलवेज इन रेस्ट, रेस्ट पे है भाई। ए बॉडी इन मोशन, ऑलवेज इन मोशन। कुछ चेंज हो रहा है इसके अंदर? नहीं हो रहा भाई। कब है? व्हेन फोर्स इज जीरो। हो गया डेफिनेशन कंप्लीट। समझ में आया कि नहीं आया? थर्डला क्या बोलता है? एवरी एक्शन हैविंग इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एवरी एक्शन हैविंग इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। करो कैसे करोगे बताओ? कैसे बताओगे कि एवरी एक्शन हैविंग इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन? माने दो बॉडी मेरे पास, बॉडी ए बॉडी बी, या वन बॉडी और सेकंड बॉडी। दो बॉडी स्ट्राइक कर रही हैं, जितना फोर्स फर्स्ट बॉडी सेकंड पे लगा रही है उतना ही किस पे को लगा रहा है? सेकंड फर्स्ट पे लगा रहा है बट इन द अपोजिट डायरेक्शन। यही है न्यूटन थर्ड लॉ। यस सर नो? अगर मैं प्रूव कर दूँ कि मेरे पास दो बॉडी हैं ए और बी, जितना फोर्स ए बी पे लगा रही है उतना ही बी क्या कर रही है? ए पे भी लगा रही होगी बट इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो आपको यह तो तरीका लिखने का ये था, इसको ए बुक वाले 1-2 लिख रखा है कि ए बी में लिख रखा है, उसी टर्म में करेंगे इस टॉपिक। इसमें उन्होंने 1-2 में डाल रखा है, हम तो भी 1-2 में डालेंगे इस आंसर्स को। ठीक है, हम ये प्रूव करना चाहते हैं अभी। ये मतलब क्या है इसका? फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू इज इक्वल टू फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन बट इन द अपोजिट डायरेक्शन। Every action having equal in magnitude, opposite in direction. इसलिए क्या डाला गया है? माइनस डाला गया। कर लोगे, हटा दो, क्या होगा? दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड्स। माइनस क्या दिखाएगा? डायरेक्शन क्या है इनकी? अपोजिट है। ये प्रूव करना है। दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये क्या है? थर्ड लॉ। यही है न्यूटन थर्ड लॉ। दिस इज एक्शन, दिस इज रिएक्शन बट इन द अपोजिट डायरेक्शन। कर लोगे तो लिखो फिर। दो बॉडी हैं ए और वन और टू, पहले वन का निकालते हैं फोर्स कितना आएगा। वन का कितना आएगा भाई क्लास? एफ वन टू, सिंपल कर दो, चेंज इन मोमेंटम डी पी वन बाई डी टी। इसे मोमेंटम में चेंज होगा कुछ, डी पी वन मान लेते हैं। कर लोगे तो व्हाट इज डी पी वन? एफ वन टू इंटू डी टी। यस सर नो? सही लिखा है मैंने? उसी तरीके से व्हाट इज वैल्यू ऑफ एफ टू वन भाई? एफ टू वन का वैल्यू कितना होगा? डी पी टू बाई डी टी। यस आर नो? तो व्हाट इज डी पी टू? एफ टू वन इंटू डी टी। यस आर नो? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और हमने कंजर्वेशन लॉ पढ़ा हुआ है, मोमेंटम बिफोर और मोमेंटम आफ्टर हमेशा क्या रहता है? सेम रहता है भाई। तो डी पी वन और डी पी टू की वैल्यू क्या होगी? बराबर होनी चाहिए कंजर्वेशन लॉ के अकॉर्डिंग। तो यही बात है। यस आर नो? मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट होता है। यस आर नो? इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, कंडीशन में भी होती है। कब बोलते हैं कि मेरा मोमेंटम कांस्टेंट हुआ? क्या इसमें बिफोर आफ्टर हैं? कुछ नहीं बिफोर आफ्टर इसमें, एक बॉडी है, दोनों फोर्स लगा रहे हैं। कौन बिफोर कौन आफ्टर भाई? कोई नहीं है। नेट मोमेंटम इसका भी कितना है? कांस्टेंट है, जीरो बोल लीजिए। जब भी बोलते हैं ना ये कांस्टेंट है, वैसे कोई चेंज ही नहीं हुआ। कितना चेंज हुआ? जीरो चेंज हुआ। आंसर हमेशा क्या मिलेगा उसका? जीरो मिलेगा। अभी जोड़ के देख लो दोनों को, आंसर क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए, कंजर्वेशन है तो। यस सर नो? तो क्या लिखोगे? डी पी वन वैक्टर में लिख दें, वैक्टर में प्लस डी पी टू, कितना आंसर होगा हमेशा? जीरो होगा अगर ये कंजर्व होगा तो भी, कोई चेंज ही नहीं हुआ इसमें। ये तो बोलते हैं कंजर्वेशन में, कोई चेंज थोड़ी हुआ है। जितना बिफोर था उतना आफ्टर था, चेंज कहाँ हुआ? जीरो चेंज हुआ भाई। यस और नो? तो पुटिंग द वैल्यूज भी, कितना वैल्यू है? एफ वन डी टी प्लस एफ टू वन डी टी इक्वल टू जीरो। सही लिखा है?
डी टी कॉमन आ सकता है, निकाल लो। बातें नहीं, प्लस एफ टू वन इंटू डी टी इक्वल टू जीरो, यही है ना। देखो भैया ये चीज़ जीरो है, कब हो सकता है, ये जीरो या ये जीरो, टाइम जीरो तो है नहीं और चेंज हो रहा टाइम तो, ये सर नो डी टी इज नॉट इक्वल टू जीरो, ना बोले चेंज हो गया तो जीरो कहाँ से हुआ, वो कर लोगे, बच गया कौन, ये जीरो होना चाहिए, दो चीज़ों की गुणा जीरो है, उनको कोई एक तो जीरो होगा, ये सर नो, या दोनों जीरो होंगे, या तो एक जीरो होगा या दोनों क्या हो सकते हैं, जीरो, अभी तो जीरो नहीं है तो बच गया ये जीरो होना चाहिए भाई, अरे इसके नीचे ले जाओ, जीरो बाई समथिंग क्या होगा, जीरो, क्या सोच रहे हैं, इसके नीचे ले जाओ, जीरो बटे डी टी जीरो, अब तो ठीक है, कितना बनेगा, एफ वन टू को ज़्यादा बताऊँ तो पता नहीं कैसे मूड बना लेते हैं, इक्वल टू कितना हो गया, जीरो भी हो जाएगा, तो वट इज़ द एफ वन टू, उस तरफ ले जाऊँ तो माइनस एफ टू वन भी, ये है न्यूटन थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैविंग इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शंस, इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट विद माइनस साइन भी इन डायरेक्शंस। हम बोलते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट भी, इज आर इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, मतलब कोई चेंज नहीं हुआ भाई, मोमेंटम उसका मोमेंटम है इसका मोमेंटम है, कोई चेंज हुआ, कितना चेंज हुआ, हुआ ही नहीं, इट इज इक्वल टू जीरो, है ना। अब देखिए भाई, मेरे पास तीन ब्लॉक हैं भाई, ओके, ऑफ मास एम वन, ऑफ मास एम टू, ऑफ मास एम थ्री भी, सही है, और इसको धक्का मार रहा हूँ विद सम फोर्स एफ भी, फ्रिक्शन इंक्लूड नहीं कर रहा, बाद में फ्रिक्शन भी आएगा, टॉपिक लेकर आ रहा हूँ पहले, बाद में करवाने होते हैं, फ्रिक्शन डाल देते हैं साथ में कुछ ना कुछ, ठीक है, अभी फ्रिक्शन इंक्लूड नहीं कर रहे, ये फ्रिक्शनलेस सरफेस भी, और बॉडी चल रही है अभी ए के साथ विद एक्सेलरेशन ए। अब क्वेश्चन है इंडिविजुअल का निकालो कितना होगा फोर्स होगा, कि हर एक पे कितना फोर्स लगेगा और हर एक का कितना एक्सेलरेशन होगा, इसको बोलते हैं फ्री बॉडी। अब देखिए एक तीन बॉडी मेरे पास, एक नहीं है अभी, देखो तो निकाल लूँगा मैं बैठ के आराम से, मेरे पास फोर्स है, मेरे पास एक्सेलरेशन, निकाल लो भाई, दिक्कत क्या रहेगी, कर लोगे, मास दे रखा है, सब कुछ दे रखा है मेरे को, प्रॉब्लम है कि तीन है अभी, आपको फ्री बॉडी डायग्राम के अंदर ये चेक करना होता है कि एक बॉडी पर कितने सारे फोर्स लग रहे हैं, उस बॉडी पे कितने सारे फोर्स लग रहे हैं, ये आपको बताना पड़ता है। तो कैसे बनाओगे, इसमें बुक में कुछ है क्या इसके बारे में, थोड़ा बहुत डायरेक्ट फ्रिक्शन दे दिया, छोड़ो, देखो भाई सिंपल है भाई, पहले बॉडी ये पकड़ते हैं, जो भी आप लो हैं भाई, आप अपने आपको चींटी मान लो और उस पर बैठ जाओ भाई बॉडी के ऊपर, अब देखो चारों तरफ कि क्या क्या हो रहा है बॉडी के साथ भाई, इस बॉडी को ये धक्का मार रहा है भाई एफ फोर्स के साथ, क्या इसके बॉडी एम टू इसको धक्का नहीं मार रही उल्टी डायरेक्शन में, ये इसको धक्का मार रही डायरेक्शन देगी, ये क्या मिलेगा इसको, इसका रिएक्शन भी मिलेगा, यस और नो, तो एम वन को कौन कौन धक्का मार रहा है एक्चुअल में, एफ कोई मार रहा है बाहर से और ये एम टू भी मार रही है भाई इस तरफ, यस और नो, एम टू को चेक करूँ तो, अब एम टू पे जाके बैठ जाऊँ, देखो कौन कौन क्या कर रहा है इसके ऊपर भाई, M2 को ये धक्का मार रहा है M1 और M3 को रिएक्शन दे रहा है, दो फोर्स पे हो गए, M3 को कौन धक्का मार रहा है, सिर्फ M2 मार रहा है भाई, यस सर नो, क्या आप इंडिविजुअल निकाल सकते हो, जब बोल रहा हूँ कि बॉडी चल रही है तो तीनों का एक्सेशन सेम होगा भाई, यस सर नो, देखो M1 को देखो भाई, इसको बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम्स भी, कि हर एक बॉडी का चेक करो कितने फोर्स लग रहे हैं हर एक बॉडी के ऊपर भी, कर लोगे, एक तो फोर्स ये लग रहा है अभी एफ वन एफ सॉरी कर लोगे, एक फोर्स ये लग रहा है, कौन लगा रहा है इसको, एफ वन पे टू लगा रहा है, यस और नो, इसका डायग्राम बनाओ, नहीं लग रहा भाई, थ्री कॉन्टेक्ट में नहीं, इसके कॉन्टेक्ट फोर्स ही होते हैं सारे, M2 पे कौन कौन फोर्स लगा रहा है अभी, अगर आप M2 पे बैठ के देख रहे हो कि कौन कौन फोर्स लगा रहा है, मेरे ये थोड़ी लगा रहा है M2, मैं यहाँ पर बैठा हूँ तो मेरे यहाँ भी लगा रहा है, मेरे तो धक्का मार रहा है इसको, ये कौन लगा रहा है, एफ वन टू लगा रहा है, वन टू पे लगा रहा है, ये होता क्या,
2-1। टू पे कौन लगा रहा है? ऐसे टू पे कौन लगा रहा है? ओके और इस पे कौन लगा रहा है? इस तरफ से टू पे कौन लगा रहा है? थ्री पे लगा रहा है। यस और नो? ये इसका क्या हो गया? फ्री बॉडी डायग्राम्स। एक और चीज़ है, इसका वेट भी है भाई, एम जी, रिएक्शन भी है। और पूरे लगा दो जितने फोर्स आपको दिख रहे हैं, सारे लगा दोगे इसके ऊपर। समझ में आई बात है? इस पे वेट भी है एम टू जी, रिएक्शन भी होगा आर टू, और एक का अलग मिलेगा कि मास अलग है भाई। यस और नो? इसका भाई एम थ्री पे कौन फोर्स लगा रहा है? सिर्फ M3 पे कौन लगा रहा है? सिर्फ 2 लगा रहा है। अरे एक इसका मास होगा M3G, एक क्या होगा? रिएक्शन होगा R3। जो मैं डायग्राम बनाए ना, ये क्या है? इसके फ्री बॉडी डायग्राम्स होंगे। आप हर एक का सोल्व करो अभी, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो कैसे निकालोगे? अब क्वेश्चन ये होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स ऑन M3, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स ऑन M2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स ऑन M1। फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। जो दो तीनों चल रहे हैं तो तीनों का एक ही वैल्यू क्या होगी? सेम नहीं होगी भी। एक बॉडी को धक्का मारे जा रहे हैं हम लोग, तीन बॉडी हैं, तीनों एक साथ चलेंगे भाई, तो तीनों के लिए एक ही वैल्यू क्या होगी? सेम। ए तीनों के लिए सेम है, ठीक है। अब नेट फोर्स कितना होगा? एफ की वैल्यू कौन बताएगा मेरे को? मेरा पहले ये चेक तो करो मेरा एफ कितना है। वो तीनों को धक्का मार रहा है इससे। जब एफ को, एफ क्या कर रहा है? तीनों को धक्का मार रहा है भाई। यस सर? नो? तो एफ फोर्स के लिए मास कितना, टोटल मास कितना है? M1 प्लस M2 प्लस M3 है। यस सर? नो? फोर्स होता है सिंपल भाई, मास इनटू एक्सेलरेशन। इसके अलावा फोर्स कुछ नहीं है। एफ के लिए कितना मास यूज किया जा रहा है? M2 प्लस M3 प्लस M1, ठीक है। तो F इज इक्वल टू कितना होगा? M1 प्लस M2 प्लस M3। यस और नो? तो व्हाट इज द नेट एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी भी इनटू ए कितना होगा भी? F बाई M1 प्लस M2 प्लस M3। ये तो हो गया भैया नेट एक्सेलरेशन बॉडी का भी। बॉडी चल रही है ऐसे भी विद एक्सेलरेशन दिस वैल्यू कर लोगे। अब क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F12? ये तो F12 तो ये उतना ही, ये भी तो है इन अपोजिट डायरेक्शन। इतना एक्शन मिला उतना ही क्या है इसका? रिएक्शन भी तो होगा, तो कोई एक निकाल लो आप लोग। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F21 भी या F12? कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों एक जैसी बातें हैं। कैसे करोगे? अब इस पे कौन लगा रहा है? इस पे ये वाला फोर्स लग रहा है इस तरफ से, कौन सा? ये टू पे वन लगा रहा है, F21। एक ही वैल्यू तो सेम आएंगी, F12 लो, F21 लो। एवरी एक्शन हैविंग इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। और पकड़ते हैं इसको भी। देखो मैं कभी डायग्राम बनाता नहीं है वाले, मैं बैठ सुना तो बच्चों को ऐसा हो रहा होगा यहाँ पर। देखो फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं, मैं नाम दे दूँ इस फोर्स को। ये F1 है, और ये भी F1 है, ये F2 है, और ये भी कौन सा है? F2। एवरी एक्शन हैविंग इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शंस भी। यस और नो? मोस्ट टाइम नहीं बनाता कभी टॉपिक्स, और टीचर बनाते हैं पहले डायग्राम बनाएंगे फिर यही करेंगे, उसमें बच्चे होते हैं कंफ्यूज भी। मैं बनाऊंगा, चिंता मत करो, कुछ टॉपिक बनाऊंगा उसको भी मैं। तो क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F1 की वैल्यू कितनी होगी? क्या F1 F के बराबर होगा? देखना पड़ेगा। F1 क्या कर रहा है क्लास? कौन कौन सी मास को धक्का मार रहा है अभी? M2 और M3 को तो मार रहा है सिर्फ F1 तो। यस और नो? ये तो गया इस तरफ से, किसको कर रहा है सर अभी? ये M2 और M3। मास कितना हो गया? M2 प्लस M3 इनटू एक्सेलरेशन कितना? अभी भी ये बॉडी चल रही है अभी। यस और नो? क्वेश्चन पूछ लिया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F1? हम तो ये तो निकाल लिया हम लोगों ने, हो रहा कितना आएगा? M2 प्लस M3 इनटू F बाई M1 प्लस M2 प्लस M3 भी। समझ में आई बात है? क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि तीन बॉडी हैं, इतना मास ये दे रखा है, एक बॉडी पे फोर्स लगाया गया 5 न्यूटन का भी, समझ में आया? तो फर्स्ट बॉडी दूसरी बॉडी पे कितना फोर्स लगाएगी? निकाल लो भाई, ये रहा
फर्स्ट बॉडी दूसरी बॉडी पे कितना फोर्स लगाएगी, सब कुछ दे रखा, मास दे रखा है, फोर्स दे रखा है, पहले से आपको 5 न्यूटन फोर्स लगाया गया है, सब कुछ निकालना अभी हो गया कंप्लीट हुआ। अगर एम टू इस पे लगा रहा तो चलेगा कौन, इसके लिए तो पूरी बॉडी है, धक्का मारने के लिए ये कोई दो बॉडी नहीं है, इसलिए इस एफ वन के लिए तो कंप्लीट बॉडी है ये, इस फोर्स के लिए एक बॉडी कंप्लीट है ये, और इस फोर्स के लिए बॉडी कंप्लीट है। अगर आप धक्का मारे ट्रेन को पीछे से, ट्रेन चल रही है मतलब क्या है, आपने पूरी ट्रेन को चलाया भाई, सारे मास यूज होंगे ट्रेन के सारे आपके, आपने सिर्फ दो बोगी को धक्का मारा, दो बोगी का मास यूज होगा, आपने सिर्फ एक बोगी को धक्का मारा, एक बोगी का मास यूज होगा, यस सर नो। आपने ट्रेन को पीछे धक्का मारा, शक्तिमान मान रहे हो आप लोग, और पूरी ट्रेन चल रही है मतलब आपने पूरे मास को ही मूवमेंट करवा दिया ट्रेन के पूरे मास को भी, तो पूरे हर बोगी का मास ऐड होगा उसके अंदर भी, थोड़े कम शक्तिमान हो दो बोगी को धक्का मार दिया भी, तो दोनों बोगी का मास, फोर्स तो वही है, मास की बात कर रहा हूँ, कॉन्टेक्ट में इसके है ना। अब ये चलेगी कब चलेगी, ये चलेगी जब ये भी चलेगी तब चलेगी, ये तो है नहीं, ये उड़ के चले जाएगी यहाँ से, धक्का मार रहे हैं, ये चल रही है मतलब क्या, ये भी तो आगे चल रही है, फिर ये अटैच है उसके साथ अभी, तो मास किसका है, दो का है। अगर मेरे को एफ थ्री निकालना हो, सॉरी एफ टू निकालना हो, तो भाई एफ टू सिर्फ क्या कर रहा है, एफ टू सिर्फ एम थ्री को चला रहा है अभी, तो मास किसका है इसका, एम थ्री का, और कितना एक्सेलरेशन है इसका, एफ बाई एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री में। किसने देखा आपको कि एक फोर्स 5 न्यूटन का भाई, ये मास कुछ है, ये मास कुछ है, ये मास कुछ है, फाइंड द फोर्स ऑन द सेकेंड बॉडी ड्यू टू फर्स्ट, थर्ड बॉडी ड्यू टू सेकेंड, वेल निकालो कितना आएगा, निकाल लो भाई, क्या दिक्कत है, समझ में आई कि नहीं आई।